आप सभी का स्वागत है ज्योतिष ऊर्जा में। रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है और ये त्यौहार बहुत ही शुभ माना जाता है। भाई बहन के रिश्ते का पवित्र अवसर माना जाता है। इस वर्ष रक्षाबंधन किस दिन मनाएं, इसको लेकर बहुत ही असमंजस की स्थितियां बनी हुई हैं। राखी 11 अगस्त को बांधें या फिर 12 अगस्त को, राखी बांधने का कौन सा मुहूर्त शुभ रहेगा, ये जो प्रश्न है बहुत सारे लोगों के मन में आ रहे हैं। तो इसके लिए आज की ये वीडियो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ ताकि आपको राखी का जो अवसर है उसका सही समय पता चल सके, मुहूर्त पता चल सके, उपाय पता चल सके और आप इस त्यौहार को बहुत ही अच्छे से, धूमधाम से और पवित्रता के साथ मना सकें। हिंदू पंचांग की अगर बात की जाए तो प्रत्येक वर्ष श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के आपस में स्नेह और प्रेम का प्रतीक है। रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधते हुए, उनकी आरती करते हुए भगवान से भाई की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। बहन के राखी बांधने के बदले में भाई उनकी रक्षा करने का वचन देता है। इस वर्ष राखी के त्यौहार की तिथि को लेकर बहुत से लोगों के मन में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं, तो इसको हम दूर करते हैं कि राखी 11 अगस्त को है या 12 अगस्त को है। इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया भी रहेगा, इसलिए इसके शुभ मुहूर्त को जानना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इस साल रक्षाबंधन 11 अगस्त को बांधें या 12 अगस्त को, तो ये जो शुभ मुहूर्त है ये 11 अगस्त को रहने वाला है। 11 अगस्त को जब ये शुभ मुहूर्त रहेगा उस समय पर गुरुवार का दिन रहेगा। गुरुवार को चंद्रमा मकर राशि और भद्रा पाताल लोक में होने से भद्रा का परिहार भी होगा। अतः गुरुवार को भद्रा के बाद प्रदोष काल में शाम को 6:20 से लेकर रात के 9:50 तक रक्षाबंधन मनाना चाहिए। सुनने में तो बहुत अजीब है कि शाम के समय कौन रक्षाबंधन मनाता है, पर यही शुभ मुहूर्त है। पर इसके साथ साथ उत्तर भारत में उदय व्यापनी पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल को ही ये त्यौहार मनाने का प्रचलन है, इसलिए 12 अगस्त सुबह शुक्रवार को उदयकालिक पूर्णिमा में भी राखी बांधी जा सकती है। इसलिए दो दिन का ही मुहूर्त रहने वाला है। 11 अगस्त को शाम का समय शुभ है और 12 अगस्त को सुबह सुबह का समय शुभ माना जाएगा। इस साल सावन मास की पूर्णिमा 11 अगस्त को 10:39 पर शुरू हो जाएगी और इसी समय से भद्रा लग जाएगी, जो रात 8:53 तक समाप्त होगी। 11 अगस्त को पूर्णिमा को चंद्रमा मकर राशि का होने के कारण भद्रावास स्वर्ग में है, जिसे अत्यंत शुभ फलदायी कहा गया है और यह दिवस पूर्णतः रक्षाबंधन मनाने योग्य है। 12 अगस्त शुक्रवार को पूर्णिमा तिथि सुबह 7:17 तक ही है, इसलिए रक्षाबंधन 11 अगस्त बृहस्पतिवार को लगभग सुबह 9:30 के बाद, पूर्णिमा तिथि लगने के बाद ही मनाया जाएगा। तो ये जो तिथियां हैं आपको ध्यान में रखनी है और किस प्रकार से आपने इसे मनाना है ये मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सी तिथियाँ शुभ हैं, कैसे कैसे आपको करना है। भविष्य पुराण में श्रावण मास की पूर्णिमा को इंद्र देवता और उनकी पत्नी इंद्राणी की प्रार्थना पर देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र देवता को रक्षा सूत्र बांधा था। वहीं माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधकर उनको अपना भाई बनाया था। मान्यता ये भी है कि इस दिन द्रौपदी ने श्री कृष्ण के हाथ पर लगी चोट पर अपनी साड़ी बांधकर उनको अपना भाई बनाया था। इस प्रकार से बहुत सी ऐसी कहानियां आपको मिलेंगी जिसमें दंत कथाओं के आधार पर ये बताया गया है कि ये त्यौहार कितना महत्वपूर्ण है, कितना ज़रूरी है और कितना पावन है। तो इसलिए आप भी रक्षा सूत्र को बांधकर अपने भाई की लंबी उम्र के लिए इस दिन ज़रूर प्रार्थना करें। आपको ये भी मैं बता दूं कि रक्षाबंधन के दिन बहनें भाई की राखी के लिए जो थाली तैयार करती हैं, उस पूजा की थाली में क्या क्या आवश्यक चीज़ें होनी चाहिए। सबसे ज़रूरी है अक्षत, रौली, चंदन, दीपक, मिठाई और राखी। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और एक बात आपको याद रखनी चाहिए, रक्षाबंधन के दिन सबसे पहली राखी भगवान को समर्पित की जाती है, उसके बाद भाई की कलाई पर राखी बांधी जाती है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि भगवान को चढ़ाई हुई राखी आपके भाई की रक्षा करती है और भाई आपकी रक्षा के लिए प्रण लेता है। तो इस प्रकार से आपको भी इसी तरह से रक्षाबंधन के इस त्यौहार को भाई को राखी बांध कर मनाना चाहिए। इसी प्रकार से आपको इन नियमों का पालन करना चाहिए ताकि ये जो त्यौहार है वो आपके लिए शुभ हो और आपके भाई को भी शुभ फल प्रदान करे।
आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए हमेशा चैनल पर बने रहें। आपका इसे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।